आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। हमारे समाज में आज भी दहेज लोभियों की कमी नहीं है और दहेज नहीं मिलने से दूल्हा शादी तोड़ देता है। लेकिन आज हम जो आपको खबर दिखाएंगे जिसमें शादी के दिन ही दुल्हन ने दूल्हे से शादी करने से मना कर दिया और कह दिया भाग जा कुत्ते, तो इसे शादी नहीं करनी है। जी हाँ, ये पूरा मामला मऊ जिले के चकरा गांव निवासी कंचन गौड़ की शादी जिले में ही मुंशीपुरा निवासी सुनील गौड़ उर्फ सन्नी से 18 अप्रैल को होनी थी, जिसमें दुल्हा सुनील बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचा और स्वागत भी बड़े ही धूमधाम से किया गया। लेकिन दुल्हे के पिता जनार्दन गौड़ ने दुल्हन के पिता फेकू गौड़ से रस्म के समय ढाल के नाम पर दहेज की मांग किया, लेकिन दुल्हन के पिता ने मना कर दिया, जिसके बाद दुल्हे के पिता ने दुल्हन के पिता का जमकर अपमान किया। इस बात की सूचना जब दुल्हन कंचन गौड़ को हुई तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई और पिता का अपमान सहन नहीं कर सके और मंच पर ही दुल्हे से कहा कि भाग जा कुत्ते, तुझसे शादी नहीं करनी है। इस घटना के बाद गांव में हलचल मच गया और दुल्हा आनंद फानंद में बारात लेकर वापस चला गया। आप इस फुटेज में देख सकते हैं कि एक पिता अपनी बेटी की शादी में कोई कमी न रह जाए इसके लिए पूरा इंतजाम किया था। गौरतलब है कि एक लड़की की शादी जब तय हो जाती है तो वो अपने जीवन साथी के बारे में ही सोचती है और उसके ही नाम की एक अपने हाथों और पैरों में मेहंदी भी लगाती है। लेकिन कंचन को क्या पता था कि जिस लड़के के नाम की वो मेहंदी लगा रही है वो एक दहेज लोभी है और उसका पिता लड़की के पिता का अपमान करेगा। फिलहाल कंचन की इस फैसले से समाज में एक मिसाल कायम हुई है और दहेज लोभियों को एक सबक मिला है। इस मामले में दुल्हन ने बताया कि शादी के समय दहेज की मांग की जा रही थी और हमारे पिता का अपमान किया जा रहा था, इसलिए हमने शादी करने से मना कर दिया और कहा कि भाग जा कुत्ते, तो इसे शादी नहीं करनी है। वही पिता ने बताया कि दहेज के लिए हमारा अपमान कर रहे हैं और इसके बाद हमारी बेटी ने शादी करने से मना कर दिया। पापा बहुत बेइज्जती करने, बहुत गाली पापा का नाम के अच्छा ना लगे, हम को नाम शादी ना करम, हम पापा का तने को बेइज्जती ना बर्दाश्त करेंगे, आज जो कुत्ते हम शादी नहीं करेंगे। साहब ये हुआ था कि दरवाजे पर आकर दहेज पत्थर लेकर सब बवा सन्नी और सुनील कहते हैं लोग, नहीं शादी अभी नहीं हुई थी साहब, अभी तो जयमाला पर छावना हो गया था जी। लेकिन लड़की या वो दलील करने लगे हमको, लड़की को ऐसा की मालूम हुआ कि स्कूल में एसी क्यों नहीं लगवा दिए, प्लास्टर क्यों नहीं करवा दिए। पहले तो दलील कर ही चुके थे हमको, पूरा गांव के लोग देखे। पूरा मामला बारात हमारे यहाँ आई, सब विधिवत कार्यक्रम हो रहा था और नाश्ता पानी बारात को हम लोगों ने अच्छी तरह से करवाया भी, और उसके बाद जब वहाँ हमारा जितना शक्ति हमारे उनके था लड़की के पिता का, उन्होंने वहाँ व्यवस्था करवाया। उसके बाद आकर के आते आते ही उन्होंने ये कहा कि तुम ये व्यवस्था किए हो, वो व्यवस्था किए हो, यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, मैट नहीं लगा है और टेंट बढ़िया नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, हमारे पंखा नहीं लगा है, लाइट बढ़िया नहीं लगा, तमाम उसने डेकोरेशन के बारे में आते आते उसने कहा। ये सब स्वीकार करते चले गए, सभी लोगों ने जो यथाशक्ति थी पानी पिलवाया गया, बारात धूमधाम से उठी। आने के बाद यहाँ सभी लोगों को कायदे से मंच लगा करके जो भी क्रिया होता है जयमाल की पूरा किया गया, सभी लोग खुशी से पूरा किया गया। और उसके बाद जब ये लोग शादी करने आए तो आते आते एक परंपरा होती है कि जब लड़का आता है शादी करने उसका बाप, तो खुद डाल लेके आता है, वो दिखाता कि भाई हमारे यहाँ डाल है, वो आदमी आकर के उल्टे इनसे डाल के डिमांड करने लगा। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें आईबी इंडिया न्यूज़।